हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मस्कारा की रिव्यू, जो कि है फेसेस कनाडा की मस्कारा। आप देख सकते हैं, ये फेसेस कनाडा की मस्कारा है। दोस्तों, मैंने फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट्स कुछ परचेज़ किए हैं, जैसे कि लिपस्टिक एंड कॉम्पैक्ट पाउडर, लिप बाम। तो उनके साथ मुझे ये मस्कारा जो है ना, ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला है पर्पल से। आप अभी भी जा सकते हैं पर्पल पे, अगर आप फेसेस कनाडा की कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको भी ये मस्कारा फ्री मिल सकता है। तो मुझे भी मिला है। मैंने तीन चीज़ों को मैंने परचेस किया था फेसेस कनाडा की, तो ये मस्कारा मुझे फ्री गिफ्ट मिल गई है, जो कि बहुत ही मैं खुश हूँ इस मस्कारा को पाके, क्योंकि ये मैं परचेस करना चाहती थी लेकिन फाइनली ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला है। एंड इनका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 449 रुपीज़ की है। थोड़ा सा महंगा प्राइस की है ये, लेकिन ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मस्कारा है, इसे मैंने एक बार ट्राई भी किया है, इसे मैंने देखा है अप्लाई करके। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि ये मस्कारा है कैसा। तो मैंने अपने फेस पे फुल फेस मैंने मेकअप कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मस्कारा कैसा है। मैं मस्कारा आपके सामने मैं अप्लाई करूंगी। मैंने इस वक्त मस्कारा मैंने अप्लाई नहीं किया है अपने आईज़ पे। आप देख सकते हैं मेरी आईज़ जो है वो बिल्कुल बिना मस्कारा की है। मैंने सिर्फ आई शेडो अप्लाई किया है। तो अभी मैं मस्कारा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। एंड ये मस्कारा 449 रुपीज़ की है, लेकिन ये मुझे परचेजिंग पे फ्री गिफ्ट मिली है। एंड ये जो मस्कारा है, ये फेसेस कनाडा मैग्नेट आईज़ डर्मेटिक वॉल्यूमनाइज मस्कारा है, जो कि आपकी आईलैश को ये एक डर्मेटिक लुक देती हैं। आपकी आईलैश को ये बिगर लुक दिखाने में हेल्प करती हैं, एंड ये वॉल्यूम प्रोवाइड करती हैं आपकी आईलैश को। एंड दिनेश लैशेस यहाँ पे लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट फार्मूला के साथ आती हैं। एंड इसमें आलमंड ऑयल है, जो कि आलमंड ऑयल आपकी आईलैशेस के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी आईलैशेस की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपके आईलैशेस बिल्कुल भी कोई बहुत सारे मस्कारा ऐसे होते हैं ना कि अप्लाई करने से आपकी आईलैशेस गिरते हैं एंड वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं आईलैशेस। तो ये मस्कारा आपकी आईलैशेस को बहुत ही हेल्दी एंड वॉल्यूम प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड आपकी आईलैशेस को एक हेल्दी लुक देने के लिए भी ये हेल्प करती हैं। एंड वैसे तो आईलैशेस पे आप ऑयल्स लगा सकते हैं, जैसे कि कस्टर्ड ऑयल या तो फिर आलमंड ऑयल, आप ऐसे भी स्किन केयर करने के समय लगा सकते हैं दोस्तों। तो मस्कारा पे भी वही चीज़ है। एंड ये मस्कारा 0% पैराबिन है, इसमें बिल्कुल भी पैराबिन नहीं है। पैथालेट्स फ्री प्रोडक्ट है, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, एनिमल टेस्ट फ्री प्रोडक्ट है ये। एंड ये स्मूथ इफेक्टलेस स्ट्रोक के साथ आती हैं, एकदम स्मूथ तरीके से ये आपकी आईलैश को एक लुक देती हैं, मस्कारा वाला लुक देती हैं। तुरंत ये ड्राई हो जाती हैं, एंड इसमें आलमंड ऑयल है ओके। एंड ये आपकी आईलैशेस को बिगर दिखाने में हेल्प करती हैं, वॉल्यूम दिखाने में हेल्प करती हैं, एंड आपकी आईलैश को ना एक थिकनेस आईलैश बनाने में ये हेल्प करती हैं। एंड ये जो मस्कारा है, इनका पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग के साथ आती हैं। एंड पीछे के साइड इनका इस तरीके का है। मैंने इसे ओपन भी किया था, तो मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। ये एक रेड कलर की मस्कारा है, जो कि आप देख सकते हैं फेसेस कनाडा की मैग्नेट आईज डर्मेटिक वॉल्यूमनाइज मस्कारा है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एंड इनका जो ब्रश है, आप देख सकते हैं, ये है इनका ब्रश। एंड इसके बारे में अगर बात करें मस्कारा के बारे में, तो मस्कारा तो मैंने यूज़ किया है ये वाला, तो यूज़ करके मैंने देखा है। तो ये जो मस्कारा है ना, ये मेरी आईलैश पे ना मैंने 2-3 कोट अप्लाई किया, तब जाके ये अप्लाई बहुत अच्छी तरीके से हुआ। वन एप्लीकेशन पे ये मेरी आईज़ को उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिया है मेरी आईलैश को। तो 2-3 कोट लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से कोट दिया है। एंड ये मस्कारा मैं बहुत ज़्यादा आपको बोलूँगी नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये ठीक ठाक है। एंड शुरू में तो मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे
धीरे मस्कारा मैं यूज़ करते करते समझती हूँ। तो ये मस्कारा यूज़ करने के बाद मुझे जैसा फील हुआ कि ये थोड़ा बहुत, मतलब 2-3 कोट लगाने के बाद ये आपकी आईलैश को ये वॉल्यूम देती हैं एंड लाइट वेट है, लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है, पानी से ये इजीली वॉश आउट हो जाता है एंड आई लैश को उतना घना भी इसने नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, बिगर आई लैश लुक इसने दिया है, मतलब थोड़ा सा लेंथ इसने दिया है बस इतना ही, एंड 2-3 कोट लगाने के बाद इसने दिया है बस इतना ही दोस्तों। एंड ये आई लैशेज थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, इधर उधर फैलता नहीं है एंड ब्रश की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब मेरी जो आइज़ की यहाँ इनर कॉर्नर पर जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, आईलैशेस हैं, उन्हें भी इसने ये जो ब्रश है कवर किया है। ओके, तो ये इसका ब्रश बहुत अच्छा है, मस्कारा भी अच्छा है, लेकिन मुझे कहीं ना मार्स की जो मस्कारा है मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है अफोर्डेबल प्राइस में। एंड मेबेलिन की मस्कारा तो ऑलवेज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन ये मस्कारा ठीक ठाक है, ओके ओके सा प्रोडक्ट है। मैं उतना भी ख़राब नहीं बोलूँगी एंड उतना भी मैं अच्छा नहीं बोलूँगी। एंड मेरी दोस्तों जो आई लैश है वो उतना ज़्यादा है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा मस्कारा की बहुत ज़्यादा नीड होती है एंड ऐसा वाला मस्कारा की नीड होती है जो मुझे तुरंत वॉल्यूम दे एंड मेरी आई लैश को ना वो बिगड़ दिखाए एंड वॉल्यूम नाइस करे। तो मेरे लिए तो मार्स की मस्कारा या तो फिर आप बोल सकते हैं मेबेलिन की मस्कारा अच्छी है एंड ये मुझे 2-3 कोट लगाने के बाद जाके थोड़ा बहुत वॉल्यूम एंड लेंथ मुझे समझ में आया है। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, हो सकता है आपकी आईज़ पे ये और भी अच्छा लगे। एंड मैंने इस वक्त आईलाइनर नहीं लगाया है ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो मैंने कैमरा को जो है ना वो मैंने पास में कर लिया है एंड ये जो मस्कारा है आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। जस्ट आप देख सकते हैं वन स्ट्रोक एप्लीकेशन पे ये जो मस्कारा है ये वॉल्यूम दे रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा घना नहीं। आपको 2-3 कोट अप्लाई करने के बाद वो फील होगा कि हाँ आपकी आईलैश मस्कारा आपने लगाया है, लेकिन वन स्ट्रोक पे ये उतना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों एंड मस्कारा की जो लाइट वेट फॉर्मूला है ना वो भी बहुत अच्छी है। एंड हो सकता है मेरी आईज़ की जो लैशेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सा है, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 बार को डिप कर लिया है ब्रश को बॉटल में। मतलब इतना महंगा मस्कारा है तो मुझे लगा कि ये एक ही बार में बहुत ज़्यादा काम करेगा, लेकिन काम इसने किया है। आप देख सकते हैं मेरी आईलैश जो है वो पता चल रहा है, लेकिन उतना घना तरीके से एकदम से ही आईलैश को बिगड़ दिखाना या तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथ करना ये इसने नहीं किया है। एंड ये कोट जब ड्राई हो जाएगा तब मैं दूसरा कोट इसमें अप्लाई करूँगी तो और अच्छी तरीके से ये अप्लाई होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि ये मस्कारा आपको 2-3 कोट अप्लाई करना है तब जाके होगा एंड वन एप्लीकेशन पर उतना ज़्यादा आपकी आईलैश की जो मस्कारा लगाने के बाद आपकी आईलैश उतना अच्छा नहीं लगेगा।
अगर आप लाइट घर पे रहते हैं थोड़ा बहुत लगाते हैं तो वो अलग सी बात है, लेकिन पार्टी पर्पस के लिए या तो फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये मस्कारा है अच्छा, ठीक है, एंड ड्राई भी ये तुरंत हो जाती है। सो मैंने आईज़ के नीचे भी अप्लाई किए हैं, आप देख सकते हैं, एंड ये है मस्कारा का लुक। एंड इसे मैं 10 में 7 नंबर दूंगी, ये ठीक ठाक है, मैं उतना अच्छा उतना बुरा भी नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक है। एंड आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आप अगर लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको दिखा दिया है इसकी रिव्यू, एंड वॉश करने के बाद ये तुरंत रिमूव हो जाते हैं। अगर आप फेस वॉश भी करते हैं तो अच्छे तरीके से ये रिमूव हो जाते हैं, उतना ज़्यादा रिमूव करने में कोई झंझट नहीं है, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मेबेलिन का मस्कारा ले सकते हैं, मार्स की ले सकते हैं। एंड अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई इसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक आईज़ मस्कारा, जो कि फ्रेसिस कनाडा की है। ये उतना बुरा भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। हो सकता है मेरी आईलैशेस पे उतना अच्छा ना लग रहा हो जितना आपको, हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। एंड अभी तो सेल चल रही है, ये आपको फ्री भी मिल सकती हैं, तो आप फेसेस कनाडा की और भी प्रोडक्ट जो है आप परचेस करके फिर आप इसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो, जो कि फेसेस कनाडा की मस्कारा के ऊपर था। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा मेरी वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच सके। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड ये आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका शेल्फ लाइफ 3 साल तक है, आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड आप फाइनल देख सकते हैं मेरी आईज़, ठीक है। रेगुलर बेसिस यूज़ करने के लिए अच्छा है, एंड क्वालिटी अच्छा है इनका, जो कि आपके आईलैश की जो हेल्थ है इसे भी ये अच्छा रखेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सो बाय बाय।